हेलो दोस्तों, कैसे हैं? बिल अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको जिस देश की सैर कराऊंगा, वह कभी पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। वह देश कभी भारत का महत्वपूर्ण राज्य भी रहा है। उस देश को नदियों के देश के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐसा देश है जिसके 80% लोग किसान हैं और वो गाँवों में रहते हैं। यह देश विश्व में आबादी के लिहाज से 8वें नंबर पर आता है। इस देश में भारत में बोली जाने वाली भाषा को आधिकारिक मान्यता प्राप्त है। तो दोस्तों, आज मैं आपको विश्व के एक कृषि प्रधान देश बांग्लादेश ले चलता हूँ। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल कुछ फैक्ट पर। यहाँ मिलता है आपको डिजिटली कंट्री फैक्ट से रिलेटेड जानकारियाँ। दोस्तों, बांग्लादेश का क्षेत्रफल 14,400 किलोमीटर स्क्वायर है, जो क्षेत्रफल के लिहाज से विश्व में 92वें नंबर पर आता है। इसे आधिकारिक तौर पर रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश के नाम से भी जाना जाता है। इसके पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत, पाकिस्तान, म्यांमार और भूटान हैं। इस देश की आबादी करीब 16 करोड़ है। वहाँ के 90% लोग मुसलमान हैं, बाकी 10% में बौद्ध, क्रिश्चियन और हिंदू हैं। यहाँ की आधिकारिक भाषा बंगाली है, जो भारत में आधिकारिक भाषा में शामिल किया जा चुका है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और वह यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। बांग्लादेश पर कभी पाकिस्तान का कब्जा था, लेकिन 16 दिसंबर 1971 को आज़ाद हुआ। लेकिन बांग्लादेश के लोगों ने 26 मार्च 1971 से ही स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू कर दिया था। लेकिन बांग्लादेश की आज़ादी के संघर्ष में करीब 15 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिसके 80% लोग किसान हैं। बांग्लादेश में चावल की खेती सबसे ज़्यादा होती है और वह यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन भी है। बांग्लादेश की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया कपड़ों का निर्यात है। जैसे भारत का नेशनल गेम हॉकी है, वैसे ही बांग्लादेश का नेशनल गेम कबड्डी है। लेकिन वहाँ के लोग क्रिकेट खेलना भी बहुत पसंद करते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर है। वहाँ का राष्ट्रीय फूल लिली है और वहाँ का राष्ट्रीय फल कटहल है। बांग्लादेश का जो झंडा है उसमें दो रंग है, लाल और हरा। लेकिन क्या आप जानते हैं इन दो रंगों का मतलब क्या है? तो सुनिए, हरे रंग का मतलब है वहाँ की हरियाली, वादियाँ और वहाँ की खुशियाँ। वहीं लाल रंग वहाँ आज़ादी के समय जो लोग शहीद हो गए थे, जिन्होंने अपना खून बहाया, वह उनके लहू और उनके बलिदान को दर्शाता है। दुनिया का सबसे बड़ा बीच बांग्लादेश में ही मौजूद है, जो कॉक्स बाजार बीच के नाम से जाना जाता है। सुंदरबन, नाम तो सुना ही होगा, भारत में है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं इसका 40% हिस्सा ही भारत के पास है, बाकी 60% हिस्सा बांग्लादेश के पास है। इस वन को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। बांग्लादेश में 98% लोग बंगाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वहां अंग्रेजी का इस्तेमाल बहुत कम होता है। उच्च शिक्षा वाले लोग या कानूनी कामकाज में अंग्रेजी का इस्तेमाल वहाँ होता है। भारत में बहने वाली नदी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में ही जाती है। बांग्लादेश इन दोनों नदियों के मुहाने पर बसा देश है। पद्मा नदी वहाँ की सबसे बड़ी नदी है। तूफान आ जाना यहाँ आम बात है और साल में कई बार यहाँ तबाही मच जाती है। इस कारण यहाँ बोट में स्कूल भी बनाया गया है, क्योंकि वहाँ साल में कई बार बाढ़ आ जाती है। बाल विवाह के मामले में पूरे विश्व में बांग्लादेश दूसरे नंबर पर है। दोस्तों, ऐसे तो बांग्लादेश एक मुस्लिम देश है, लेकिन बांग्लादेश में ही सबसे प्राचीन मंदिर ढाकेश्वरी मंदिर, जो करीब 1200 साल पुरानी है। यह मंदिर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। यहाँ दुनिया भर के हिंदू घूमने आते हैं। दोस्तों, यहाँ एक किला भी बना हुआ है जो अधूरा बना है, जिसका नाम लालबाग किला है, जो आज म्यूजियम बन गया है। यहाँ मुगलों के समय के तस्वीरें और तलवारें रखे हैं। सुंदरबन टूरिस्ट के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है, इसी कारण पूरे दुनिया के लोग यहाँ घूमने आते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी का बटन दबा दे, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अगले वीडियो आपके लिए कौन से देश पे पेश करूँ, कमेंट करके ज़रूर बताएँ।